जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंडकोट ECS T10 मैच की, जो कि दोस्तों BCP बनाम CYM के बीच मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिक्चर रिपोर्ट कैसे है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों BCP से पवनदीप, एम गुनाशेखरा, तजविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, एस सिंह, लवदीप सिंह, RS बरार जो कि दोस्तों कप्तान है BCP के, जोट गिल, राजेश कुमार, गुरप्रीत सिंह एंड आमिर राणा। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि BCP की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ CYM की प्लेइंग 11 की। तो जीशान सरवर, एम हुसैन, WCP, समीम अहमद, जी मोर्जा, वकार अली, गुरविंदर सिंह, हरिदय हुसैन, सलमान अक्रम, एल सिंह, वी मोहम्मद। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि CYM की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 21 अप्रैल फ्राइडे को दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा YP सोनास क्रिकेट ग्राउंड में। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बैटर्स के लिए पिच फायदेमंद रहने वाले, हालांकि दोस्तों स्पिनर्स को भी इस पिच पर फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ, बारिश के कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ टीम 11 प्रिडिक्शन की। तो दोस्तों BCP जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। टॉस प्रिडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रिडिक्शन। आज का टॉस है दोस्तों वो CYM टॉस जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ मैच एक्सपर्ट एडवाइस की। तो दोस्तों आप तजविंदर सिंह को एज अ स्मॉल लीग में कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड कुलविंदर सिंह को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए एज अ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। हेड टू हेड की बात करूँ, दोनों टीमों के बीच कोई भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैन कोड पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ पॉइंट टेबल की। तो दोस्तों CYM जो कि 8वें स्थान पर है एंड BCP जो कि दोस्तों 11वें स्थान पर है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ फैंटेसी टिप्स की। तो टॉप ऑर्डर बैटर आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके विकेट टेकर चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। तो आप अपनी फैंटेसी टीम में उनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। विकेट कीपर में जीशान सरवर आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, पेसर्स का इस पिच पर ज़्यादा रोल रहेगा फ्रेंड्स। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करें तो BCP जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ CYM टीम से, तो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। वो आप BCP की अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि BCP के हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। एम गुनाशेखरा, तेजविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, RS बरार एंड जोत गिल। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि BCP के हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि CYM के हैं, जीशान सरवर, एम हुसैन, वकार अली, गुरविंदर सिंह, एल सिंह एंड बी मोहम्मद। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी आप देख सकते हो जो कि CYM के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक BCP की तरफ से रहे हैं, पवनदीप, एम गुनाशेखरा, तजविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह एंड एस सिंह। दोस्तों ये बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक BCP की तरफ से रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक CYM की तरफ से रहे हैं, जीशान सरवर, एम हुसैन, जी मोर्जा, वकार अली एंड गुरविंदर सिंह। दोस्तों ये बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक CYM की तरफ से रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की। तो दोस्तों आप तेजविंदर सिंह को एज अ स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड कुलविंदर सिंह को एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। जोट गिल को एज अ वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में सेलेक्ट कर सकते हो, हालांकि ये फर्स्ट मैच खेलेंगे अपना। जीशान सरवर को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। एम हुसैन एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। वकार अली जो कि अभी तक 381 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग एंड कैप्टन भी आप इनको एज अ ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। इंजर्ड की बात करूँ, दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिएगा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।